बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान पहली बार ऐसा काम करने जा रहे हैं जो शायद ही कभी उन्होंने किया हो। वो पहली बार नेवर बिफोर रोल में नजर आएंगे। ये बात हर किसी को पता है कि सलमान रेस 3 का हिस्सा होंगे। इसके प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने इस खबर की पुष्टि की है कि वे इसमें नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। साथ ही उनका लुक बेहद स्टाइलिश नजर आने वाला है। तौरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान का किरदार उसी तरह होगा जैसा रेस और रेस 2 में सैफ अली खान का रहा है। तौरानी ने कहा कि सलमान पहली बार इस तरह के रोल में होंगे। बता दें कि पहले सलमान खान एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वे कभी नेगेटिव रोल नहीं करेंगे। अब रेस 3 देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसी कौन सी बात स्क्रिप्ट में है कि जिसने सलमान को ये रोल चुनने के लिए राजी किया। इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आएंगी। वो किक के बाद दूसरी बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी। फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज हो सकती है। इसका डायरेक्शन रेमो डिसूजा कर रहे हैं। रेस 3 के दो लीड रोल के अलावा तीसरे मैन रोल के लिए अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिलहाल अमिताभ की ओर से इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया है। जल्द ही फिल्म की फाइनल कास्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि सल्लू मियां नेगेटिव रोल में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय और सुझाव देना मत भूलिएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।